सम्मान केवल वही दिया जाना चाहिए जहां उसका चुकाना संभव ना हो, जहां उसका भुगतान संभव नहीं है, जहां तुम भुगतान नहीं कर सकते, जहां वापस चुकाने की कोई संभावना नहीं है, वहां सम्मान देना चाहिए। सम्मान इस तथ्य को स्वीकार करना है कि कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, और बुद्ध को क्यों सम्मानित किया जाना चाहिए? उनके बलिदान की अग्नि के कारण। बुद्ध के बलिदान को समझना तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि ये पूरी तरह से अदृश्य है। तुम इसे तभी जान पाओगे जब तुम स्वयं बुद्ध बनोगे। जो उन्होंने जाना है उसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता, फिर भी वे कोशिश करते हैं। ये एक निरंतर बलिदान है। जो उन्होंने जाना है वे मन से परे है, फिर भी वे हर संभव तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी मदद करने की कोशिश करते हैं। वे असंभव को समझाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। उनका बलिदान महान है। वे इतनी मेहनत करते हैं बिना किसी कारण के, क्योंकि उन्हें इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उनका काम समाप्त हो चुका है, उनकी नाव आ चुकी है, वे किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकते हैं, फिर भी वे शरीर में रहते हैं, जो एक बंधन है, जो एक कैद है, फिर भी वे शरीर में रहते हैं ताकि वे असंभव को संभव कर सके। उनकी करुणा अनंत है। प्रणाम।